जिसके लिए मैं जीना चाहता था उसी ने मेरे हाथों में अपनी जान छोड़ी और मैं कुछ नहीं कर पाया। ये क्या किया? हम वो खजाना ढूंढने आए थे ना, क्या इसकी फालतू बातों में लगे हो तुम? अमर है ना वो, उठ बोल ना उसे, थोड़ा सोच के देख वो क्या कर रहा है। खजाने के पीछे कितने लोग आए होंगे, उनमें से ये भी एक हुआ तो, और क्या पता खजाना मिलने के बाद वो देगा हमें या नहीं। वैसे भी हम खजाने के पास तो पहुंच चुके हैं ना यार, मर तो नहीं गया? पता नहीं था खजाने के लिए तू इस हद तक जा सकता है। कुछ गलत नहीं किया मैंने, ज्यादा सोच मत और चल अब। उसे कुछ करना होता तो आसानी से कुछ भी कर सकता था, उसने खुद बोला वो 300-400 सालों से जिंदा है। तेरे मारने से वो मरने वाला है क्या? मेरे सामने मेरा बेटा मरा, मेरे लोग मरे, फिर भी मैं यहाँ अकेले जी रहा हूँ। कितनी सैकड़ों बार खुद को मारने की कोशिश की, वो वरदान मेरे लिए अब श्राप बन चुका है। तुम उस खजाने के लिए आए हो ना, जानते भी हो उस खजाने में क्या है? खजाने का अस्तित्व मुझसे और मैं खजाने के कारण अमर हूँ। ये क्या किया तुमने? मेरी सुनने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है? अब जैसे बोलोगे वैसे हम करने के लिए तैयार है, बस हमें घर जाना है। पर वो, उसे कुछ नहीं हुआ है। जिस दुनिया में वो जन्मा है उसी दुनिया में उसे मरना है, वो मरा नहीं है। अभी इस समय वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता, पर मुझे एक बात पता है, खजाने के खुलते ही तुम तीनों जिस दुनिया से आए थे ना उस दुनिया में वापस चले जाओगे। नक्शे में तो आगे दरवाजा दिखा रहा है पर आगे तो कोई दरवाजा ही नहीं है। चलो मेरे पीछे। पर जाना कहाँ है? जहाँ ये नक्शा लेके जाएगा वहां। अब ये जगह कौन सी है? इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। कोई कीमती चीज होगी पर उसे उस चीज का क्या उपयोग? मतलब जैसे हमें पैसा कमाना था, अमीर होना था, पर इसके लिए तो ये सब दूर सामान होगा ना। कीमती चीज मतलब सोना, चांदी या हीरे, यही होते होंगे क्या? कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो हमारे लिए कीमती ना हो पर उसके लिए हो। हाँ, पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है?
जिस समय मुझे वरदान प्राप्त हुआ उस किताब में लिखा था, जब जब किसी को वरदान प्राप्त होगा तब तब उस इंसान की जान उस खजाने में कैद हो जाएगी और खजाने का नक्शा एक दूसरी दुनिया में चला जाएगा और उसकी चाबी उसी इंसान के पास रह जाएगी। तुम सिर्फ एक जरिया थे मेरी मुक्ति का। मैंने मेरे मतलब के लिए तुम लोगों का इस्तेमाल किया पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो नक्शा नष्ट होने के बाद मैं अपनी दुनिया में वापस चला आया। तभी उसी वक्त कुणाल का कॉल आया। हाँ बोलना, क्या हुआ? कुछ बताने वाला था ना? हाँ एक बात बोलनी थी। एक काम कर, तू सीधा घर चला। इसे लाना जरूरी था। तूने जब कॉल किया वो मेरे साथ ही था। तू अभी कहाँ है? घर में। गणेश है तेरे साथ में? हाँ, पर तुझे कैसे पता? ऐसे ही तुक्का लगाया। हम थोड़ी देर पहले कहाँ थे? जिस समय मैंने कुणाल को नक्शे के बारे में बताने का सोचा मैं उसी समय में वापस चला आया था। मैंने पॉकेट देखा, पॉकेट में भी अब वो नक्शा नहीं था। उस नक्शे के कारण मेरी वजह से मेरे दोस्तों को भी तकलीफ हुई, इसलिए मैंने आज तक अपने दोस्तों के सामने इसका जिक्र नहीं किया। हम हमारी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। पता नहीं आप मुझे यहाँ उठा के लेकर आए। मतलब नक्शा तेरे पास था और तुम लोग उस खजाने की तलाश में एक अलग ही दुनिया में गए थे और वहाँ तुम्हें एक आदमी मिला। हाँ, आदि मानव जैसे। उस खजाने में उसकी जान थी और उसे मरना था। तुमने उस खजाने को खोला, उसे आज़ाद कर दिया और वहाँ से वापस भी आ गए। हाँ हाँ वैसे ही हुआ था। अबे मुझे क्या समझाया क्या? बोल तो रहा है लेकिन इसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये बता नहीं सकते। एक काम कर। हाँ। नहीं तो क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है। डिटेल्स कहाँ से और कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। मतलब तेरे पास वो नक्शा नहीं है? हर किसी के लिए वरदान श्राप नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है? फिलहाल तो मेरा मरने का मूड नहीं है। क्या बोला तूने? खजाना चाहिए। खजाने के लिए तो वो नक्शा चाहिए और नक्शा तो इस दुनिया में नहीं है। और जिस दुनिया में है वहाँ तू क्या? इस दुनिया को कोई आदमी नहीं जा सकता।